अंदर का दिखा दे रहा हूँ, अंदर कैसे रहता है, सीट रहता है सही ठीक है। ये देखो ये जो है ना, ये टच करोगे, ये आप तीन सीट होता है, तीनों के लिए टच करने के लिए रहता है। ये टच करोगे आप, वो टच करने से मालूम है क्या होगा, लाइट जल जाएगा। तो जो इसका एयर होस्टेज होते हैं ना, उनको पता चल जाएगा कि कौन सा सीट नंबर पर लाइट जला, तो आ जाएगा वो आपके पास पूछने के लिए, क्या बात है, क्यों आपने लाइट जलाया, आपको क्या ज़रूरत है, मतलब कोई तकलीफ है क्या है। तो जिस ज़रूरत है तो जलाओ, नहीं तो ऐसे पे मतलब कि मत जलाओ, फिर वो लोग डांटेंगे नहीं लेकिन आपको बेवकूफ़ समझेंगे, समझेंगे कि बचपना है इसके पास, अक्ल नहीं है इसके पास, ठीक है। ज़रूरत है तो एक बार नहीं पांच बार दबा दो, तबीयत ख़राब हो रहा है, चक्कर आ रहा है, उल्टी आने आ रहा है, तो उसके लिए आप दबाओगे तो आके आपको दवा ववा देगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। ऐसे सीट होता है, ठीक है ना। आपको एसी का हवा के लिए है, अगर कम करना है ज़्यादा करना है तो इसको ऐसे आप घुमाओगे, देखो अब ज़्यादा हवा आने लगेगा इधर, कम करना है तो ऐसे करेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये लाइट जलेगा तो आप, मैं अभी समझाया आपको किस लिए लाइट जलाया जाता है, ठीक है। ये स्क्रीन टच करेंगे तो आपको इस पर फिल्म वलम देखना है, गाना वाना सुनना है तो इधर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सब कर रहता है, ठीक है। अभी देखो खाना पीना वो लोग बेचना चालू कर दिए, खाना पीना बेच रहे हैं सब वो लोग, ठीक है। और ये देखो ये किस लिए देते हैं लोग मालूम है, जैसे आपको उल्टी टाइप का आ गया तो आप कहाँ उल्टी करने जाओगे, तो इसको ये ऐसा रहता ही है, इसको फैलाओगे, इसको फैला के आप इसमें उल्टी कर सकते हो, फिर वो लो एयर होस्टेज आएगा, वो थैली में डाल के ले जाके उधर डस्टबिन में डाल देगा, ठीक है। ये सब रहता है इधर, ठीक है। और ये क्या है, आपको ये सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कैसे कब क्या करना है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो ये जो बक्स है ना, ये बक्स में मास्क है, मास्क निकल जाएगा ऐसे, मास्क आप पहनोगे देखो ये, ठीक है। कैसे बैठना है, बेल्ट कैसे लगाना है, ये बेल्ट कैसे लगाना है, बेल्ट लग जाएगा तो ऐसे रहेगा, निकालने के टाइम में बेल्ट कैसे निकलेगा, तो इसको उठाएंगे, वक्कल उठाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें दरवाजे कितने होते हैं, अगर इमरजेंसी में कूदना है, कुछ करना है, मतलब ये लोग बताएंगे ना कभी, ये हर किस चाहते हैं बचाने के लिए, जब लास्ट में देखते हैं कि अब फ्लाइट नहीं बचेगी, अब सब आदमी मर जाएंगे, तब तो उस टाइम ये दरवाज़ा खोलते हैं, बोलते हैं कूद जाओ, जॉकेट पैंट पहन के कूदो। तो देखो ये जॉकेट पहने हुए हैं, ठीक है, ऐसे जॉकेट पैंट पहन के ये दरवाजे से कूदाएंगे, आप नहीं भी कूदेंगे तो ज़बरदस्ती कूदाएंगे आपको, कूद जाने पर क्या है, बचने का चांस है, आप 40,000 फीट से अचानक नीचे नहीं चले जाओगे, टाइम लगेगा आपको जाने के लिए, जैकेट है आपके पास, उतने देर में नज़दीक जो भी एयरपोर्ट होगा वहाँ से सब आ जाएगा आपको बचाने के लिए, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, फ्लाइट टाइप कहीं छोटा छोटा रहता है जो जल्दी जल्दी आएगा, सबको एक एक जगह ढूंढ ढूंढ के खींचेगा, ठीक है। तो इसमें दरवाज़ा दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ से कूदना है, ताकि हड़बड़ दड़बड़ में पता ना चलेगा ना, तो पहले से ही ये लोग फ्लाइट उड़ाने से पहले ही हर चीज़ बताते हैं ये लोग, कितना दरवाज़ा है, किधर है, क्या है, वैसे भी वो सब लिखा हुआ है सामने, देखो लिखा हुआ है दरवाज़ा जिधर जिधर है उधर उधर मार्किंग दिया हुआ है, कहाँ कहाँ दरवाज़ा है, कैसे कूदना है, कभी आग लग गया नीचे तो कैसे कूदना है, ये स्लाइडर रहता है, वो स्लाइडर से आपको कूदना है, जल्दी से भागना है, कूदना है, ठीक है। तो ये बक्कल देखो कैसा लगता है, ये बक्कल कैसे खुलेगा, ये आसान है एकदम, ऐसे उठाएंगे आपका ये खुल जाएगा, ये निकल गया, ठीक है। ये भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है खोलने के लिए, नए नए जो आते हैं, जो हमेशा आ रहा है जा रहे हैं, एक सेकंड का काम है, अब इसको लगाना है, इसको इसमें लगा दिए, इसे इसको हो गया, ये पेटी बोलते हैं इसको, यानी कुर्सी के पेटी, यानी ये बेल्ट बांध के रहने पे आपको सेफ्टी है, बाई चांस कभी कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो सब लोग का बेल्ट लगा रहेगा ना, तो जहाज बैलेंस बना के रहेगा,
नहीं तो नहीं रहेगा तो लोग इसमें इधर उधर गिरेंगे, बैलेंस खराब हो जाएगा, जो संभालना चाहेगा वो लोग पायलट नहीं संभाल पाएगा, सब लोग इधर उधर गिरेंगे, इधर से उधर गिरेंगे सब। इसलिए हमेशा बेल्ट पर ध्यान दिया जाता है, जब तक फ्लाइट ना उतरे तब तक आप आराम से बांध के रखो, क्या मुश्किल है बांध के रखने में। बहुत लोग हीरोबाजी करते हैं, दिखा करके बांधते हैं, बाद में निकाल देते हैं, नुकसान अपने को ही है। कभी कुछ हो गया तो बेल्ट रहेगा तो बचने के चांस है आपको, ठीक है। अभी वो लोग घुमा घुमा के चाय और ये ठंडा सब बेच रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। जिसके टिकट में ऐड है उसको फ्री में मिल जा रहा है, क्योंकि वो टिकट के टाइम में ही पैसा ऐड कर दिया है। जो नहीं ऐड किए हैं टिकट के टाइम, वो इधर ले सकते हैं पैसा से। देखो नीचे क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बस खाली थोड़ा छोटा 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 जो डॉट डॉट नज़र आ रहा है ना, वो सब पानी जहाज है। हजारों के तादाद में पानी के जहाज चलता है नीचे, जो माल पहुंचाने वाला जो रहता है, शिप जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसका भी रूट होता है, कौन सा पानी जहाज किधर जाएगा, किसका रास्ता कैसे है, वो भी अंदाजे नहीं चलता है। उसका भी सब मैप रहता है, मैप के हिसाब से चलता है, जैसे जहाज ऊपर चलता है वैसे। जहाज 40,000 फीट चाहे 38,000 फीट पर चलाने का मतलब क्या होता है, यानी पहला बात एक तो पहाड़ बहुत ऊंचा ऊंचा होता है तो उससे बचेगा, दूसरा ये होता है कि ऊपर जब 30,000 के ऊपर जब आता है ना जहाज, तो ऊपर का हवा ऊपर खींचता है, नीचे का हवा नीचे खींचता है, बीच में दरमियान में चलता ही है, तो जहाज़ पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, इसलिए हाइट ज़्यादा रखा जाता है फ्लाइट के टाइम में, यानी 38,000, 40,000 फीट 45,000 फीट पर चलता है, तो जहाज एकदम स्मूथली चलता है। नीचे जब तक रहेगा, देखे ना नीचे उड़ा रहा था, मैं दिखाया था शुरू में आपको, तो इस पर कितना जोर आ रहा था, जहाज पे जोर आ रहा था ना, जब अभी ऊपर ये अभी चल रहा है 38,000 फीट पर, तो एकदम स्मूथली चल रहा है। क्यों? कि ऊपर का हवा ऊपर खींच रहा है इसको, नीचे का हवा नीचे खींच रहा है इसको, नीचे का हवा नीचे खींच रहा है, बीच में चल रहा है यानी लेवल में चल रहा है। नीचे वाला दबाव अपने तरफ कर रहा है, ऊपर वाला ऊपर खींच रहा है, बीच में चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, इंजन पर जोर नहीं पड़ता है, और मैं सुना हूँ जहाँ तक, और पेट्रोल भी जो जिस जो पेट्रोल से जो चलता है वो भी मतलब मार्जिन कम रहता है, और ज़्यादा दबाव में चलेगा तो इंजन ब्रेक फेल हो सकता है ना कभी, यानी इंजन फेल हो सकता है, इसलिए एकदम स्मूथली चलने के लिए 38,000 फीट पर चलाते हैं लोग, 38,000, 40,000 के फीट पर, एक लिमिट है उन लोगों का ना, ठीक है। देखो ऐसा रहता है, इसमें मैं वो टॉयलेट का भी दिखा दूंगा आप लोगों को कि कितना जोर से आवाज़ करता है, वो भी देख लेना आप, ठीक है। अभी कोई यूज किया, पीछे आवाज़ आ रहा है, अभी तक यहाँ तक आवाज़ आ रहा है पीछे से, फिर आगे और भी बताऊंगा आप लोग, एक एक चीज़ बताऊंगा, जो नए लोग हैं ना नए लोगों के लिए बता दूंगा, उनको लगेगा कि हाँ फ्लाइट में बैठ चुके हैं। ये सिस्टम सबके पास रहता है, सबके कुर्सी पर, देखो वहाँ है सबके पास रहेगा, ठीक है। लोग बता दे रहा हूँ, खाना जब आएगा तो ये आपका स्टैंड बाहर निकलेगा, इसको ऐसे ऐसे इसको दबाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको और ऐसे हो जाएगा, देखो देखो इसका बाल इधर दब जाएगा, देखता हूँ कि फिर बोलेगी कि मेरा बाल दब दिया इसने। यहाँ आप अपना पानी का कप रख सकते हैं, चाहे चाय का कप रख सकते हैं, और एक ट्रे में मिलता है खाने का, ठीक है। ट्रे के अंदर, ट्रे फिसल के इधर भी भागेगा, इसलिए ये रुकने के लिए है ये, लेकिन आराम आराम से खोला जाता है। हड़बड़ा के खाना मत खोलना आप लोग, नहीं तो फिसल के गिर जाएगा, कपड़ा भी आपका ख़राब होगा और नीचे सब खराब हो जाएगा, तो वो लोग चिल्लाएंगे नहीं आपको, लेकिन बोलेंगे कि अनाड़ी आ गया, ये कभी खाया नहीं बैठ के फ्लाइट में, थोड़ा अजीब फील करेंगे आपके, बोलेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन मुँह ऐसा सिकुड़ाएंगे ना कि आपको इंसल्ट फील होगा, इसलिए हड़बड़ा के नहीं खोला जाता है। आराम आराम से खोलने का, उसका डब्बा जो पैक रहता है ना, आराम से इतने दूर में आपको खा लेने का, इतने दूर में, ठीक है। घर के तरफ पसार के नहीं खाने का, इधर उधर गिर जाएगा, फिसलता ही है, ठीक है। अभी एक लेडीज इधर बाजू में बैठी, इसलिए ज़्यादा हम
हरकतें नहीं कर रहा हूँ, हाथ वो लग जाएगा उसको तो लगेगा उसको कि अब जान बुझ के की कुछ, तो वो क्या कर रही है कि इधर सो जा रही है, मेरे ही तरफ आके इधर ये हो जा रही है, ये देखो पूरा जाम कर दिया इधर, ये है कुर्सी का ये बटन, मगर ये पीछे करना है, ये जो है पीछे करना है मेरा, जो पीछे करना है ये, तो मैं ये दबाऊंगा तो पीछे हो जाएगा, लेकिन नहीं दबाया जाता, लेबल में रखो अपना, दूसरे को तकलीफ नहीं देने का। अभी थोड़ी देर पहले ये दबा के मेरे तरफ लाया था इधर, मैं इसको जा रहा ना अभी, चिल्लाया ना इसको मैंने कि सिर करके सो उधर, लगता है नवाब का नाती है इसे एकदम पीछे करके एकदम सो रहा है, यानी उसको एहसास ही नहीं है कि जो बैठा है उसके मुँह की तरफ आएगा, इधर एकदम ला दिया था, यहाँ करीब ला दिया था, जब इतना ही तुम वी आई पी हो तो जाओ बिजनेस क्लास में, एक लग दाम है उसका, एक लग लगा के उसमें बैठ के सो के आराम से आओ, तो फैसिलिटी मिला किस लिए, कि एडजस्ट करने के लिए, कोई मोटा आदमी हो गया चाहे कुछ थोड़ा उसको है तो थोड़ा बहुत कर लो, दो तीन इंच आगे पीछे करो, ये पूरा उठा के यहाँ तक लाया था, यहाँ तक ला दिया था इसे, मैं गुस्से में ढकेला उसको, चिल्लाया मैंने काटा उधर, तो देख रहा था कनखी से मेरे को, कुछ बोलता था और सुनाता उसको, लेकिन कुछ बोला नहीं, वो समझ गया कि गलत किया हूँ इसलिए चुप लगा गया वो, तो लेडी से उधर भी बैठी है वो भी उसको बोली, बोली कि तुम सीधा करो, क्यों उसको उसके तरफ कर रहे हो, उसने भी उसको चिल्लाई, बोली कि तुम अपना स्टेट रखो, वो देखो अपना एकदम स्टेट रखी है उसने, ये अभी भी थोड़ा सा रखा है, तो उससे कोई बात नहीं है, थोड़ा एडजस्ट किया चलेगा, लेकिन आप लोग भी मैं बता रहा हूँ दूसरे को नहीं तकलीफ देने का, जैसे आपको बुरा लग रहा है हमारे तरफ जैसे आया तो हमको बुरा लगाना कि क्यों इधर लाया मेरे तरफ, उस तरह हम ये पीछे करेंगे, अपने कुर्सी पीछा करूँगा, ये वाला कुर्सी पीछे करूँगा मैं, हमारे पीछे जो बैठा है उसको बुरा लगेगा ना, फिर एहसास करना चाहिए, अपने को जैसे तकलीफ होता है वैसे दूसरे को तकलीफ सोचो कि हमको अगर तकलीफ होगा तो वैसे उसको भी तकलीफ होगा, इसलिए अपने फायदे के लिए कायदा नहीं बिगाड़ने का कभी भी, अगर इज्जत से चलना है कहीं भी तो, अगर किसी से बात नहीं सुनना है, कोई झाड़ के ना बात करे आपको, कोई आपको डिमोरलाइज ना कर दे, तो एकदम सोच समझ के चल लेगा, दूसरे को परेशानी में नहीं डालेगा, अब इन्होंने गलत किया तो मैंने झाड़ा इनको, इनको सुनना पड़ा बात, बोलते तो और सुनाता मैं इनको, लेकिन बोले नहीं कुछ तो हम भी छोड़ दिए, मतलब कि क्यों बात करने का, वो बोलता तो मैं सुना था इसको बढ़िया से, क्योंकि मैं रॉन्ग में नहीं था, गलती नहीं था, गलती उसका था, देखो नीचे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कुछ भी, वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आप लोग कंटिन्यू देखना है एकदम, तो आप लोग फ्लाइट में आओगे तो तकलीफ नहीं होगा, आप लोग सब 50% तो समझ ही जाओगे आप लोग, ठीक है, बैठता हूँ ना तो ये सीट में लेता हूँ, विंडो साइड ही ज़्यादा लेता हूँ मैं, क्योंकि इधर आराम से टेक लगा के इधर इधर आप टेक लगा के इधर आराम से बैठ जाते हो, और जो बीच में है जैसे लोग बीच में है, देखो कैसे तकलीफ हो रहा है लोगों को, अभी इधर झुक रही है मेरा तरफ ही है, अब लेडीज है मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो इधर क्या होता है, ये भी सीट लेने के लिए आपको जब टिकट आप जब देंगे ना काउंटर पर बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए, उसी टाइम बोलना पड़ेगा आपको काउंटर पे कि सर प्लीज़ आप मेरे को विंडो सीट दे दीजिएगा, है तो रिक्वेस्ट करके बोलेंगे तो दे देगा, वो रहेगा सीट खाली तो विंडो सीट रहेगा, तो ऑर्डर मारेंगे कि नहीं हमको विंडो सीट ही चाहिए, नहीं देगा आपको, पैसा दे के भी एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है तो विंडो सीट मिलता है, ठीक है, टिकट बुक करने के टाइम में ऑप्शन में आता है कि विंडो सीट चाहिए तो इतना पैसा, विंडो सीट नहीं चाहिए तो इतना पैसा, ठीक है, चलिए फिर बाद में और बताता हूँ आप लोगों को, तो अब नीचे उतर रहा है, देखो ये जहाज नीचे जा रहा है ना, देखो नीचे नजर आया आपको, वो जा रहा है जहाज, इसके नीचे जा रहा है, अब ये उतर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, अब लैंडिंग करेगा ये, कैसे लैंडिंग होगा मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना, पूरा दार मदार उस पर जो पंखी है ना, पूरा जहाज दारो मदार इसी पर चलता है,
वही पूरा कंट्रोल करता है, उड़ने के लिए भी उतारने के लिए भी सब दारू मदारू पंखी के ऊपर है, दोनों तरफ होता है ना, डायना निकला रहता है, वही पूरा कंट्रोल करता है, पूरा दारू मदारू उसी पे है जहाज का। अब देखो दुबई आ गए हम लोग, देखो कुछ खलीफा सामने दिख रहा है, वो हमारे उंगली के सामने दिख रहा है, पतला सा वो दिख रहा है ना पंखी के सामने, बादल में घिरा हुआ है, देखो बादल है, उसका हाइट है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, 850 मीटर है, 1000 मीटर जो रहता है वो 1 किलोमीटर होता है ना, वो देखो वो है, दिख रहा है वो बुर्ज खलीफा है। अब नीचे का नज़ारा देखिए आप लोग, अब उतर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, देखो पंखी में बताया था ना दारू मदारू है, वही पूरा हवा का भार वही रोकेगा, नीचे कर दिया ना उसने, वही रोकेगा पूरा वो। अभी नीचे का नजारा देखिए आप लोग कैसा है सब, सीधा था ऐसे था ना, सीधा था, यही कंट्रोल करता है हर चीज़। अब देखो कितना ताकत उसके अंदर है, कितना वजन 1000 टन को लेकर के, कई 1000 टन वजन लेके उतना वो संभाल रहा है, वो सबसे ज़्यादा जोर उसी पर पड़ रहा है ना, तो वो चाहे तो हवा के दबाव से ऊपर टूट जाना चाहिए, उखड़ के पक जाना चाहिए, लेकिन बनाने वाला क्या सिस्टम से बनाया है कि वो उड़ नहीं सकता है। देखो एकदम नीचे जा रहा है ना हवा को रोकने के लिए, ये दुबई का नजारा आप लोग देखो ऊपर से, टाइम में जैसे दौड़ाता है ना उसे उतरने के टाइम में भी दौड़ाएगा इसको, तब जाके रुकेगा धीरे धीरे, ये प्रेशर पर रुकेगा उसको, और अंदर से रोकने के लिए इंजन का होगा ना ताकत कम करने के लिए। वेलकम टू दुबई, ये दुबई एयरपोर्ट है, ठीक है, अब देखो कैसे उतर रहा है, देखो ऊपर वाला जो है ना पंखी वो पूरा खड़ा कर देगा, वो देखो हवा पास होने के लिए, देखो सब लोग अपने तैयारी करेंगे।
सामान वामान जो छोटा मोटा रहता है अंदर रखा जाता है, बाकी सब लगेज में रहता है, इसके पेटी में रहता है। International Airport Terminal 2, the local time is 10 minutes past 5 o'clock in the afternoon. Please remain in your seat with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs have been switched off. अभी इसको खोल देंगे। Take care when opening the overhead lockers as items may move during the flight and could fall causing injury. अभी ये मैं अपना चार्जर भी निकाल लूंगा। With you before leaving the aircraft, you may now use your mobile phone. Remember that smoking is not permitted until you are in a designated smoking area inside the terminal building. आप लोग जैसे जहाज जाती है ना तो ये सब फटाफट सबका ड्यूटी अपना अपना लग जाता है। सब गाड़ी आ गई ना बैग वैग लेके जाने के लिए, जब तक आदमी यहाँ से उतर के जाएगा अंदर ना, जब तक यहाँ से बैग वैग सब चला जाएगा बेल्ट पे, वो बेल्ट पे घूमता रहेगा, फिर आपका इमिग्रेशन हो जाएगा तब तक बेल्ट के पास पहुँच जाएगा। देखो सब गाड़ी आ गया, सबका ड्यूटी बांटा हुआ है। जो फ्लाइट के आदमी जो हैं मेंटेनेंस वाले वो फटाफट आ जाएंगे सब। अब यहाँ से बैग उतरना चालू हो जाएगा, ठीक है। बस आ गई, बस में बैठा के ले जाके वहाँ छोड़ देगा गेट के सामने, ठीक है। सामान उठाने वाला आ गया, अब अंदर घुसेगा, बेल्ट में सब सामान रखेगा, ये सबका ड्यूटी बांटा हुआ है, सब अपना अपना ड्यूटी में लग जाएंगे। इंजीनियर आएगा पूरा चेक करेगा अंदर बाहर पूरा चेक करेगा, फिर इसको जब फ्लाइट करनी होगी ओके करेगा तब ये फ्लाइट होगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वो पूरा इंजन चेक करेगा, हर चीज़ चेक करेगा, मेंटेनेंस करेगा हर एक चीज़। जैसे डॉक्टर एक आदमी को पूरा चेकअप करता है, बॉडी को बताता है फिटनेस है, ये आदमी दौड़ सकता है चाहे जा सकता है, तभी आदमी को दौड़ाया जाता है ना, उसी तरह ये है। देखिए चालू हो गया ना बेल्ट पाना, हर एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोग को कैसे 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 होता है, ठीक है। जब तक इसमें सभी आदमी सब लोग लाइन में खड़े हैं, देखो सब लोग खड़े हैं, पूरा खड़े हैं लोग। मैं अभी बैठा हूँ इसलिए कि खड़ा होकर कोई फ़ायदा नहीं है, जब खाली रहेगा तो उतर के फटाफट चले जाऊँगा मैं भी। तो जब तक ये लोग वहाँ जाएंगे ना, यहाँ से उतरने के बाद सीधा एयरपोर्ट के अंदर जब जाएंगे आप, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ चेकअप होगा आपका, हर चीज़ आपका बॉडी भी चेक होगा, हर चीज़ होगा कि कुछ छुपा के तो ला तो नहीं रहे कुछ गलत चीज़, एक्सरे होगा आपका। उसके बाद से जब तक बेल्ट के पास आप जाएंगे ना, इमिग्रेशन जब तक होगा जब तक ही बेल्ट के पास, वहाँ ये सामान चक्री पे घूमते रहेगा, अपना अपना सामान पहचान के उठा लिया जाता है वहाँ अंदर, ठीक है। अब ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो अब ज़्यादा ना बताऊँ आपको, ठीक है। ओके चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग पूरा देखो, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे उतरा जाता है तो बस खड़ी रहेगी, बस में बैठिएगा, सभी फ्लाइट का अलग अलग बस होता है, फिर ये ले जाके गेट पर छोड़ देगा, ठीक है। अभी मैं इसमें चढ़ जा रहा हूँ।